हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे आप लोग सब? आई होप कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त करके होंगे। तो हम भी एकदम मस्त करके हैं दोस्तों। और अभी जा अभी जा रहा हूँ मैं यहाँ से घर की ओर। सॉरी, तो आज 3 तारीख हो चुकी है, 3 अप्रैल 2022 की। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे गेहूँ गेहूँ हो रहे, तो गेहूँ अब पकने वाले हैं। 2-4 दिन की कसर हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भाई ऊपर लग जाते हैं, थोड़े बहुत पेड़ वेड़ लग जाते हैं, तो पेड़ की वजह से ये जल्दी से पक नहीं पाते हैं। ये देखिए कहीं पे हरे हैं और कहीं पे एकदम सूख गए। ये तो जौ है भाई, ये तो खैर जौ है। और अब चल रहा हूँ मैं घर की ओर अपने कुंडिया, और उसके बाद जाएंगे दिल्ली, क्योंकि आजकल सीजन का टाइम है हमारा, तो ब्लॉग कंटिन्यू नहीं बन पाते कई बारी। तो ये रोड पे आ गया हूँ, ये मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी। तो दोस्तों कल सुबह जैसे ही मैं गांव पहुँचा था, उसके बाद वही थकान लग जाती, क्योंकि रात भर गाड़ी चलानी पड़ती है ना। फिर मैं घर जाके सो गया, 1 बजे करीब उठा, खाना वाना बनाया, तब तक भारती भाई और आ गए, भारती भाई और मकान भाई। और फिर उसके बाद खाना पीना खा के फिर आ गया था मैं गाँव में, और उसके बाद फिर यही गांव में रहे रात में। हमारे भाई साहब, भाई कब आए घर? मेरे को घर आए हुए 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने हो गए? हाँ, ये मकान बन रहा है। अच्छा, मकान के कारण मैं घर में 2 महीने रुक गया। घर में क्या क्या काम हो गया आपके? घर में काम सब कुछ हो गया, गट्ठे गुट्ठे पड़ गए, तो लेंटर पड़ गया, प्लास्टर शुरू हो रहा है। अद्धा हो गया, बोतल पूरी लिया। कितने कमरे बन रहे भाई? कमरे 2 बन रहे हैं, 2 कमरे 2 किचन। अच्छा, बाकी बरना बरना आगे सेटिंग है। अच्छा, और तो आप नौकरी कहाँ कर रहे हो आजकल? नौकरी हम राजपुरा कर रहे हैं, नौकरी राजपुरा में रहते थे, बेसू फैक्ट्री में। सैलरी सिर्फ कम देने की वजह से मैं अभी गया नहीं हूँ, 10,000 रूपए सैलरी दे रहे थे। अच्छा अच्छा, तो उसके कारण अभी गया नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ सैलरी बढ़ा देगा तो मैं फिर उनका फोन आने के बाद मैं चले जाऊंगा। अच्छा अच्छा, मकान कंप्लीट करके जाओगे अब तो? हाँ जी, मकान कंप्लीट हो जाए तो हमें एक आदमी रखने से फायदा क्या है? एक आदमी रखेंगे तो उतना हमें झाड़ी वाली मिलती, जितनी झाड़ियाँ देनी पड़ेगी। सही बात है, तो इससे अच्छा खुद ही काम कर ले। वो भी बढ़िया, वो भी बढ़िया। अच्छा, आज खाने में क्या क्या बना रहे हो फिर? खाने में तो बच्चे लोग चाय बिस्कुट बंद खा रहे हैं, बाकी आलू की सब्जी बन रही है, आटा माला नहीं है। अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी अपने देर के फंक्शन में बैठे हुए हैं, बंद चाय खाए लगे हुए, बाकी बनाएंगे अभी तो। मतलब अभी बैसाखी तक घर ही रहोगे? बैसाखी तक घर ही है, अभी मेले तक घर ही रहेंगे, आप लोगों को मिलते रहेंगे और बातें चाहते चलते रहेंगे, कोई बात नहीं। आप लोगों की मेहरबानी होनी चाहिए, काम शुरू चल ही रहा है। वो तो खैर चल ही रहा है। अरे कंजू बाबू, और कंजू बाबू क्या खा रही है? तो भाई एक एक, एक हाथ में तो फोन लेके बैठी है, एक पैरों पर टैबलेट, आप देख रहे होंगे, पैर से टैबलेट चला रही है, हालांकि उसमें बैटरी नहीं है। मेरे ख्याल है उसमें बैटरी है, 62% नहीं है। ये इसकी अम्मा यहाँ पे, और ये देखिए, और ये यहाँ पे विकास बैठा है। कौन सी वाली? फिर चलते यहाँ से घर को। तो ये है सामने मेरी गाड़ी खड़ी, तो अभी गाड़ी के पास चलते हैं, और आप आवाज सुनेंगे इस टाइम पे चिड़िया होकर एकदम साइलेंट करके। तो ये है यहाँ से सारी जाने का रास्ता, ऊपर हिंगोला में आपने देखा होगा पहले भी, और यहाँ पे मंदिर बना हुआ भरत जी का। तो चलो जी चलते हैं। दोस्तों गाड़ी हो गई है स्टार्ट, अब चल रहे हम घर के लिए, यहाँ से कुंडिया के लिए। सुबह सुबह गियर हो जाते हैं टाइट, क्योंकि इंजन ऑयल वगैरह जो गियर बक्से का है वो थोड़ा ठंडा रहता है, तो गियर डलते नहीं है, और जब गाड़ी थोड़ी बहुत चल पड़ती है फिर एकदम से रनिंग में आ जाता है, ऑयल एकदम पतला हो जाता है, फिर गियर फटाफट पड़ने लगते हैं। और ये वाला जो यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा था, तो साल भर पूरा होने वाला है, पर ये भाई इन्होंने हटाया नहीं, और बरसात में फिर और आएगा मेरे ख्याल, ये नीचे से भी चला जाएगा यहाँ पे, फिर दिक्कत होगी। सरकार का भाई ऐसी है, जब तक पूरा रोड नीचे ना जाए ना, जब तक रोड ब्लॉक ना हो, मतलब तब तक काम नहीं होता रोडों पे, ये हिसाब है आजकल।
और आप देख रहे होंगे ना साइडों में, तो ये इसको बोलते थे लिजोड़ू, बोलते हैं मतलब लिजोड़ू, अब ये काफ़ी कम हो गया है। पहले जो हर जगह आप देखते थे, पहले लिजोड़ू लिजोड़ू होया करता था, ये वाइट कलर के जो फूल लग रहे हैं ये लिजोड़ू पे लग रहे हैं। और आप बोलते हैं कोकांडू, तो बहुत बेकार है वो, उस पर कांटे ही कांटे रहते हैं, और जहाँ पे वो कोकांडू होता है ना तो वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं हो पाती है, ना कोई पेड़ हो पाता है, ना कोई खेती पाती कर सकता है, पूरे जंगल का यही हाल है। आप देख रहे होंगे सुबह सुबह का आप मौसम देख ही रहे होंगे, काफ़ी सुहाना हो रहा है उत्तराखंड में, और जिसे बोलते हैं ना शांति, तो शांति भाई उत्तराखंड में है, दिल्ली में तो बुरा हाल रहता है भाई। एक तो गर्मी, ऊपर से पब्लिक और ऊपर से ट्रैफिक, बाप रे बाप। तो ये पहुंच गए हम आपसे बात करते करते अपने घर पे। ये देखिए जी, तो ये जा रहा है मेरे घर के लिए रोड यहाँ से। चढ़ाई, तो ये यहाँ पे गियर लगता है फर्स्ट, और ये देखिए काफी हैवी चढ़ाई यहाँ पे। तो ये घर पे पहुंच गए जी, और ये कल हमने यहाँ पे पूरे पत्ते पत्ते हो रखे थे, सारे साफ सफाई करी, ऊपर छत में भी, इधर भी, सारे के सारे। ये देखिए साफ रहता है तो काफी अच्छा लगता है, और शांति भाई यहाँ पे, क्या शांति है आपको पता ही है एकदम। सो दोस्तों, घर से हम निकल चुके हैं, और आप देख रहे होंगे, तो मैं काफी दिन से आपको दिखाने की सोच रहा था कि ये तोता घाटी, तो ये सामने आप देखेंगे तो अभी हमारे देवप्रयाग की तरफ से, और हम जा रहे हैं दिल्ली, तो आप देखेंगे तो ये है तोता घाटी, और इस तरह से अब चौड़ा हो चुका है यहाँ पे, काफी चौड़ी होगी ये रोड, ये देखिए आप। तो ये तोता राम का बहुत बड़ा हाथ है इस पे, इसलिए इसका नाम है तोता घाटी, जो कि तोता राम के नाम पे प्रसिद्ध है ये घाटी यहाँ पे। और आप रोड देखेंगे ना उत्तराखंड की, तो भाई चुआ 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 बन गई है। और आप ये साइड का व्यू देखेंगे ना, तो किस तरह से यहाँ पे कटिंग हो रखी है, बरसात में तो भाई काफ़ी डर रहता है, क्योंकि अभी इसमें घास वास जमनी बाकी है। ये देखिए बिल्कुल चौड़ी हो रखी रोड, मतलब आदमी अब अपने हिसाब से अगर रोड पे नज़र बांध के चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर सूँ साथ चलेगा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ये देखिए आप, तो इसमें अभी कम से कम 2 साल लग जाएंगे पेड़ जमने में साइडों में। ये देखिए पूरे के पूरे अभी नंगे पहाड़ है, तो जैसे जैसे बारिश होगी धीरे धीरे इन पर पेड़ पौधे होंगे, तो 3-4 साल बाद ये रोड काफ़ी मजबूत हो जाएगी। और यहीं सामने पर ये बैंड काटने के बाद देखिए आप, जो सफ़ेद पहाड़ है तो भाई बहुत ख़तरनाक है, एकदम रेतीला पहाड़ है बजरी वाला। ये देखिए ये पहाड़ आपने पहले भी देखा होगा, एक बार काफ़ी भयंकर यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। ये देखिए जी, तो ये पूरा दरदरा पहाड़ है, दरकता रहता है, ये आप नीचे देख ही रहे होंगे रोड ही पड़ी हुई है, तो ये ऊपर से आता रहता है इसका मलबा कई बारी, और पत्थर तो हल्के फुल्के झड़ते ही रहते हैं। और यहाँ पे पुश्तों का काम लगभग पूरा हो चुका है। ये देखिए आप, इधर राइट हैंड में भी यहाँ पे काफ़ी गड्ढे पड्डे हो रखे थे, इधर देखिए, क्योंकि ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा था, तो इस कारण यहाँ पे सारी रोड ख़राब हो रखी थी। पर अब रोड काफ़ी चौड़ी हो गई देखिए आप, तो जैसे सीजन में जाम लगता था वो हो गया वहाँ पे ख़त्म। और ये पहुँच गए दोस्तों हम रायवाला, तो आप देख सकते हैं कि नेपाली फार्म से दिल्ली तक बिल्कुल हाईवे गोली की तरह बन चुका है, और काफ़ी जिसे बोलते हैं 80 की स्पीड यहाँ पर अलाउ है। इस रोड पे आप 80 की स्पीड में चल सकते हैं, और दोनों तरफ डबल रोड है, हाईवे बन चुका है ये, और काफ़ी स्मूथ रोड भी है। ये देखिए जी, और काफ़ी अच्छा व्यू भी आपको दिख ही रहा होगा रायवाला का, ये देखिए। और ये पहुंच गए हम मुजफ्फरनगर से जस्ट पहले, तो काफ़ी अच्छे फ्लावर्स लग रहे थे यहाँ पे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए। ये देखिए जी, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा व्यू है रोड का, ज़बरदस्त वाला। और ये पहुंच गए जी हम एक्सप्रेसवे पे, तो गाज़ियाबाद पहुंचने वाले हम अभी, सेक्टर 62 पे पहुंचे हैं नोएडा। ये देखिए, तो काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन चुकी है यहाँ पे। और आपको एक बात बता दी, इस पे भाई टोल हो गया चालू, जो कि 155 रुपये का है जाने का,
और 155 रुपए है आने का। तो अब आप उत्तराखंड जाएंगे तो 600 रुपए आपको कम से कम एक बारी ट्रिप में देने ही पड़ेंगे। फास्टैग आपका जरूरी है, नहीं तो डबल पैसे देने पड़ेंगे आपको। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल सुबह 8:15 बजे आपको। तो जय भारत, जय उत्तराखंड।